हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुखदीप एंटरटेनमेंट्स। एंड आज हम आपके सामने लाए हैं अपना दूसरा व्लॉग, लाइक सुखदीप एंटरटेनमेंट्स व्लॉग। जी, आज हम कौन सी जगह पे हैं ये आप लोग बताएंगे कमेंट में। सो चलिए शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। चलिए चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम भारतीय विद्यापीठ कॉलेज के, जो खारघर और बेलापुर के रास्ते के बीच में आता है। जी हाँ, इसे कुछ लोग बोलते हैं कि बेलापुर में है और कुछ लोग बोलते हैं कि खारघर में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग हम लोग खारघर और बेलापुर के रास्ते से। जी, ये रास्ते में आपको विकास केंद्र मिल जाएगा, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का कॉलेज मिल जाएगा और भी बहुत कुछ है। और ये कॉलेज के पीछे एग्जैक्ट हिली एरिया है ये पूरा, तो आपको सब मिल जाएगा। फिर अब हम जा रहे हैं बेलापुर की साइड में। बेलापुर पहुंचते ही सबसे पहले आपको पुलिस नाकाबंदी मिलती है और उसके ही बाद में आगे आके आपको राइट लेके फिर राइट में आपको श्री गुरुद्वारा साहब मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे आके आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हर संडे के संडे यहाँ पे लंगर लगता ही है। फिर वहाँ से थोड़ा आगे आपको आकर स्टेडियम मिल जाता है, जो कि भारत रत्न राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम से बहुत फेमस है बेलापुर में, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। फिर थोड़ा आगे आके आपको भारतीय विद्यापीठ का कॉलेज, स्कूल और बैंक तीनों मिल जाते हैं, जो कि एक ही जगह पे है। एक इसकी ब्रांच है जो कि खारघर बेलापुर के बीच में है और एक है एग्जैक्ट बेलापुर के बीच में। उसके आगे आके आपको मैंगो गार्डन मिल जाता है। मैंगो गार्डन के नाम से ये गार्डन बहुत फेमस है यहाँ पे बेलापुर में, और उसी के साथ में एक मार्केट बना हुआ है। मार्केट के हम लोग लेफ्ट लेते हैं तो आगे जाके एक रोड निकलता है। लेफ्ट लेने के बाद जो रोड निकलता है वो सीधा ब्रिज के नीचे से होके जो हाईवे से द पार्क होटल है वहाँ पे जाता है। ये आपको हाईवे से दिख जाएगा, बेलापुर में बहुत ही फेमस होटल है, जिसके कि पास में है सिडको का भवन भी है और कोंकण भवन भी है। सबसे पहले आपको कोंकण भवन दिखा देते हैं जो कि ऑपोजिट साइड में है, फिर आएगा उसके ऑपोजिट में सिडको भवन। सिडको भवन के आगे जाके आपको ब्रिज के नीचे से आपको वहाँ पे लिखा हुआ है आई लव नवी मुंबई, और उसी के पीछे है ये कोंकण भवन, एक सोसाइटी है कि बहुत ही पुरानी सोसाइटी है। कोंकण भवन सोसाइटी के एकदम ऑपोजिट में आपको प्रभात सेंटर, संकल्प पैलेस और भी स्वीट्स की शॉप्स भी है यहाँ पे, वो मिल जाती है। और फिर थोड़ा आगे आके रोड क्रॉस करके सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस है, लाइक जैसे कि आपका रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, पुलिस स्टेशन है, और वहाँ पे आपको अर्बन हार्ट भी मिलेगा। अर्बन हार्ट राइट लेते ही आपको अर्बन हार्ट आ जाता है, जो कि जहाँ पे कुछ ना कुछ सेल्स वगैरह रहती है। ये एक एग्जीबिशन सेंटर है, यहाँ पे सब हैंडमेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फिर थोड़ा आगे आके आपको ब्रिज के नीचे से फिर बेलापुर स्टेशन आ जाएगा। बेलापुर स्टेशन के सामने से एक बैंक लेन है, वहाँ पे बैंक ही है ज़्यादा, तो मैं सब बैंक्स मेंशन नहीं करूँगा वहाँ पे, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है और भी बैंक्स है। उसके सामने एक पार्क बनाई हुई है छोटी सी, पार्क के साथ में ही पीछे लगता हुआ एक ओशन का थोड़ा सा ये है, ओशन है वहाँ पे, जो कि वाशी से निकलता है और यहाँ पे आता है। इसको यहाँ पे खाड़ी बोला जाता है, बट ये एक ओशन का हिस्सा है। यहाँ से निकलकर फिर अब हम जा रहे हैं वापस से अर्बन हार्ट के रास्ते से, थोड़ा घूम के जा रहे हैं फिर से। वहाँ पे आपको ऊपर से ब्रिज के ऊपर से स्टेशन भी दिख जाता है और मैरीन के ऑफिसेज भी मिल जाते हैं। ये सब जो आपको दिख रहे हैं ये शिपिंग के ऑफिसेज हैं, यहाँ पे सब शिपिंग का ही कॉरपोरेट ऑफिसेज बनाए हुए हैं। ये एक जो मैं कॉलेज दिखा रहा हूँ ये आपका सीमेंस कॉलेज है, जो कि मर्चेंट नेवी के लिए कॉलेज है, बहुत ही फेमस कॉलेज है यहाँ का। और अभी हम जा रहे हैं सीवुड्स में, ये महानगर पालिका का ऑफिस बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा है। ये फ्लैग हमेशा यहीं पे रहता है और बहुत ही ऊंचा फ्लैग है हमारे इंडिया का। और फिर उसके आगे आके आपको मिल जाएगा सीवुड्स ग्रैंड सेंट्रल मॉल, यहाँ पे आपको सब अवेलेबल है जो एक मॉल में होना चाहिए, वो सब फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल है। बल्कि थिएटर अभी बन रहा है इसमें, अभी वो चालू नहीं हुआ, कोरोना टाइम के पहले से बन रहा है, बट वो बन के रेडी था कि कोरोना आ गया, तो अभी थिएटर चालू नहीं हुआ है। सो आगे आ जाता है, उसी के सामने एक
मार्केट लेन बनी हुई है मॉल के सामने, और सामने ही एक डीमार्ट करके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जो कि मुंबई वाले हैं उनको तो पता रहेगा, लेकिन बाकी के लोगों के लिए वो नया नाम होगा। और उसी के सामने लेन के आगे राइट लेके आपको आ जाएगा पूरा एक पॉन्ड है सीवुड्स में, जो कि ज्वेल ऑफ नवी मुंबई के एकदम पीछे है। तो आपको ये सारा जो सिनेरियो है वो सारा दिखेगा, ज्वेल ऑफ नवी मुंबई का ही है, उसी के पीछे वो पार्क भी है और पॉन्ड भी है। अभी हम आ गए हैं ज्वेल ऑफ नवी मुंबई के फ्रंट गेट पे, तो ये आपको दिख जाएगा, ये पूरा ज्वेल ऑफ नवी मुंबई लिखा भी है यहाँ पे, आपको दिख जाएगा। और हाँ, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगे कि वीडियो में कैमरा चेंज हुआ है, तो जी हाँ, कैमरा चेंज हुआ है। एक्चुअली मेरे आईफोन की बैटरी लो होने की वजह से हम लोग ने सैमसंग का कैमरा भी यूज़ किया है। हम लोग अभी वापस जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग गए थे जामा वगैरह के पास, बट वहाँ पे वो बंद था तो हम लोग वहाँ नहीं जा सके। तो अभी हम लोग नेरुल से वापस आ रहे हैं वही रास्ते पे, जिसको कि बोला जाता है पाम बीच रोड। ये पाम बीच रोड पूरा बेलापुर से लेके अपना कॉपर खेलने वगैरह तक बना हुआ है। यहाँ पे आपको एक स्टेडियम मिल जाएगा, फिर आगे आपको NRI कॉम्प्लेक्स है। पाम बीच पे आपको बहुत कुछ देखने मिल जाएगा। पाम बीच के राइट साइड में सिटीज़ है और लेफ्ट साइड में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, पूरा खाली एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है वो। अभी हम पाम बीच से लेफ्ट लेके वही सीवुड्स का वो जो महानगर पालिका का ऑफिस था, वहाँ से लेफ्ट लेके आ गए हैं नेरुल में वंडर्स पार्क में। तो वंडर्स पार्क भी बहुत अच्छा पार्क है यहाँ का, बहुत बड़ा पार्क है, जैसे कि खारगर का सेंट्रल पार्क है, अभी डेवलपिंग है, बट वंडर्स पार्क है जो ऑलरेडी बना हुआ है। अभी हम लोग हैं वंडर्स पार्क पे, बट यहाँ से निकलकर हम लोग पूरा रास्ते का व्यू नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम लोग ने ये आपको पाम बीच रोड का पूरा व्यू दिखा दिया था। हम लोग अभी डायरेक्ट पहुँचे हैं वाशी में सागर विहार के यहाँ पे। सागर विहार के यहाँ पे आपको पूरा ओशन दिख जाता है, पूरा समुद्र है, और उसके आगे आके आपको एक लेक दिखती है जो कि वाशी में ही है। यहाँ पे कपल्स पॉइंट है ये, ज़्यादा यहाँ पे लवर्स ज़्यादा आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। आज हमने आपको दिखा दिया है बेलापुर, वाशी, नेरुल, मतलब कि वाशी से लेके बेलापुर तक आपको सब कुछ दिखा दिया है। व्लॉग वन में आपको दिखाया गया था खारगर, और व्लॉग टू में दिखा दिया है नवी मुंबई का बेलापुर टू वाशी का ट्रिप। तो कैसा लगा आप वीडियो में ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और देखते रहिए सुखदेव एंटरटेनमेंट।